अलकुम स्टूडेंट्स हमने जो है आपके लेसन नंबर सेवन वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टन कंप्लीट किया है आई होप आप सबको समझ में आए होंगे आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन से तो एक पार्ट है आपका आपको बुक पे मार्क करना है तो आपको पेन यूज़ नहीं करना है पेंसिल यूज़ करना है ठीक है तो एक पार्ट है आपका विच ऑफ दीज एलिमेंट्स अफेक्ट विच ऑफ़ दिस एलिमेंट्स एफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस यानी ये एलिमेंट्स जो है इनमें से कौन सा एलिमेंट्स जो है हमारे क्लाइमेट पे अफेक्ट करते हैं लेटिट्यूड एल्टीट्यूडिडिटी ऑल ऑफ दिस तो हमें पता है ऑल ऑफ दिस ठीक है बी पार्ट है एंड पोजस ब्लब एंड पोजस ब्लब अंडर इट इज स्किन किसके स्किन के अंदर जो है ये ब्लबर होता है पोलर बियर मंकी एलिफेंट टूकन तो हमें पता है पोलर बियर ठीक है एपोलर बियर ठीक है एनी है अपोलोर बियर पॉज इस ब्लबर अंडर इट इज स्किन सी पार्ट है आपका विच एनिमल हैज़ अ स्ट्रीम बॉडी पेडल लाइक फीट एंड विंग शेपिट फ्लेपर्स कौन से एनिमल का होता है स्ट्रिम लाइन बॉडी पैडल लाइक उनका फीट होता है और विंग uh, शेपड उनका फ्लिपर्स होता है किसका हमें पता है पेंगविन का होता है ठीक है यहाँ पे आपको पॉइजन एरो फ्रॉक पेंगविन में मंकी मंग है तो किसका होता है पेंग्विन का होता है ठीक है डी पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पोजस एलम शेपिड क्लैंड अबो द आइस कौन से एनिमल के जो है आइस के ऊपर आलम शाइप शेप का ग्लैंड होता है मंगी टू कैन पेंगविन मेक तो किसका होता है पेंगविन का होता है ठीक है ई पार्ट है विच एनिमल्स हैडल टुगेदर इन ग्रुप टू स्टे वोम कौन से एनिमल्स जो है ग्रुप में बैठते हैं किसके लिए खुद को गर्म रखने के लिए पेंगविन बियर्स पॉइजन एरोफ्रॉक लॉइन टेलिट मेक तो हमें पता है ंग ठीक है एफ पार्ट है इन विच सीज़न डू दी साइबेरियन क्रैन क्रैंस माइग्रेट फ्रॉम रूशिया टू इंडिया कौन से सीज़न में जो है साइबेरियन क्रैंस माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे यानी रूशिया से इंडिया में समर सीज़न में विंटर सीजन में रेनी सीज़न में या समर सीज़न में या विंटर सीज़न दोनों में तो हमें पता है विंटर सीज़न में करते हैं ठीक है इसके बाद है जी पार्ट इन रेन फॉरेस्ट द टोटल रेनफॉल इन इन ईयर रेंजेस बिटवीन रेन फॉरेस्ट में टोटल ईयर में कितने मतलब रेंजेस uh, में कितने रेनफॉल होते हैं फिफ्टीन हंड्रेड एंड टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड होता है या नाइन हंड्रेड से नाइन हंड्रेड एंड ट्वेल्व हंड्रेड होता है या फाइव हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड होता है या थ्री हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड होता है तो हमें पता है फिफ्टीन हंड्रेड से लेके टू ट्वेंटी mm फाइव हंड्रेड तक क्या होता है रेनफॉल होता है कहाँ पर रेन फॉरेस्ट में एच पार्ट है आपका विथ एनिमल टोन्स न स्लीप so in in इन होल्स इन द्रीज इनमें से कौन सा एनिमल जो है खुद को जो है फैदरी बॉल में टर्न करते हैं फैदरी बॉल बनाते हैं क्या करने के लिए ट्रीज के होल्स में स्लीप करने के लिए सोने के लिए पिजन स्पैरो मकफ तो हमें पता है सेकेंड पार्ट है आपका मेज द फॉलोइंग तो ये रहा आपका चूज द कुरेक्ट ऑप्शन इसके बाद है आपका मेज द फॉलोइंग पार्ट है आपका मेटोरोलॉजिस्ट तो हमें यहाँ से पटना है द एवरेज वैदर कंडीशन एट अ पार्टिकुलर प्लेस ओवर थर्टी ईयर्स ये नहीं है द डेली चेंजेस इन विन कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ अ गिवन प्लेस ये भी नहीं है अ पर्सन हुज द वैदर तो ये रहा आपका मेटरोलॉजिस्ट ठीक है तो आपको यहाँ पे जो है या आप जो है यहाँ पे लाइन से मतलब मैच करो या आप क्या करना आप जो है यहीं पे लिख लेना ठीक है यहीं पे लिख लेना मार्क करना नहीं यहीं पे लिख लेना यानी मेटेरोलॉजिस्ट पे आपका है थोड़ पार्ट ठीक है इसके बाद है वेदर फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग क्या हम यहाँ पहुँचे थे एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस विच वेदर बाय यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डाटा फ्रॉम द अर्थ स्टेशन स्टेशन एंड स्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये रहा आपका फोर्थ पार्ट आपका क्या है वेदर एंड फोरकास्टिंग का है ठीक है तो इस पर आप फोर्थ लिख लें इसके बाद है सी माइग्रेशन तो हम यहाँ पहुँचे थे सीज़नल मूवमेंट ऑफ़ अ कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर तो हमें पता है माइग्रेशन जो है एनिमल्स का जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है सीजनल मूवमेंट जो है वो माइग्रेट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं माइग्रेशन तो ये रहा आपका फिफ्थ पार्ट ठीक है इसके बाद है आपका वेदर तो हम यहीं से फिर से पढ़ेंगे देश वेदर कंडीशन एट अ पार्टिकुलर प्लेस ओवर थर्टी ईयर्स ये नहीं है द डेली चेंजेस इन विंड कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ गिवन प्लेस तो ये रहा आपका वेदर ठीक है इसके बाद है क्लाइमेट तो क्लाइमेट हमारा कौन सा बचा यहाँ पे फर्स्ट वाला द एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर थर्टी ईयर्स तो ये रहा आपका क्लाइमेट फर्स्ट वाला ठीक है तो ये रहा आपका आज का होमवर्क आपको कॉपी पे अपनी नोटबुक पे आपको लिखना है ठीक है तो हम कल जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे ठीक है थैंक यू